हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज हम शूट करने जा रहे हैं जीओसी का लेक्चर नंबर 15। अभी तक 14 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं और ये 14 वीडियो लेक्चर आपके नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड है। मतलब हमने नॉमेनक्लेचर का एक पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जितना आपके लिए ज़रूरी था सब पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो उसे आप जा करके देखिए। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसी के जस्ट नेक्स्ट लेवल का एक टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो चलिए कॉपी पेन निकालते हैं और हेडिंग डालते हैं भाई आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों, आइसोमेरिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइसोमेरिज्म आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमसे किसी ने पूछ लिया भाई आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमेरिज्म है क्या, तो देखो बच्चों, आइसोमेरिज्म को पहले बात जान लो कि आइसोमेरिज्म ये दो पार्ट से बना हुआ है, आइसो प्लस मिरोज। अब आइसो का मतलब क्या होता है भाई, आइसो का मतलब होता है बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम, और मिरोज का मतलब हो गया बच्चों पार्ट, मतलब ऐसा कुछ जो सेम पार्ट से आता हो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड के बीच में तो ऐसे कंपाउंड जो सेम पार्ट से मिलकर बने हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आइसोमेरिज्म। देखो अपने को हर एक टॉपिक को अच्छे से और डिटेल में समझना है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग को समझेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स को समझेंगे, फिर उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब अभी अपने को समझ में आया कि आइसो क्या है। आइसोमेरिज्म मतलब आइसो प्लस मिरोज, सेम पार्ट, क्लियर है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि सर आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा। देखो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, आइसोमेरिज्म आर दोज फिनोमिनन, आर दोज फिनोमिनन इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सोज डिफर। मतलब भाई आइसोमेरिज्म वो एक फिनोमिनन होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, एक फिनोमिनन होता है, ये बात ध्यान देना। आइसोमेरिज्म आर दोज फिनोमिनन इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा मतलब नंबर ऑफ एटम सब में सेम होंगे, बट द फिजिकल या केमिकल या फिर दोनों प्रॉपर्टीज सोज उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, वो आइसोमेरिज्म में आएगा, क्लियर है बात। ये तो समझ में आया, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि कैसे मैं इस डेफिनेशन को वहाँ पे अप्लाई करूँगा। और रही बात एक और कि इस आइसोमेरिज्म से बच्चों जो स्ट्रक्चर बन के आएंगे, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर बना एक्स वाई ए बी, बच्चा एक स्ट्रक्चर बना एक्स वाई ए बी, तो आप देख क्या रहे हो दोनों का फार्मूला तो सेम है, इसका भी फार्मूला ए एक्स वाई बी है, इसका भी फार्मूला ए एक्स वाई बी है, फार्मूला तो दोनों का सेम है मगर दोनों में कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है कि नहीं। इसमें ए और बी का ये डायरेक्शन, इसमें ए और बी का डायरेक्शन ये, तो अगर ये जो प्रोसेस आप बना रहे हो इसी को तो आप आइसोमेरिज्म बोलते हो। लेकिन आप ध्यान से देखो जो ये स्ट्रक्चर बने इनको क्या बोलेंगे, चलो भाई आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमिनन है तो सर ये स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, इन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोमर। तो आइसोमेरिज्म से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। इतनी बात क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा आइसोमेरिज्म हमको कितने टाइप्स में मिलता है, मतलब हम आइसोमेरिज्म को अब क्या करने जा रहे हैं, क्लासीफाई करने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म करेंगे बच्चों क्या, क्लासीफाई। तो देखो आइसोमेरिज्म को मेनली दो पार्टों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया बच्चों, दो पार्ट में।
एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। इसको बच्चों बांटा गया दो पार्ट में, एक आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक बच्चों आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक बच्चों, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को वापस से डिवाइड कर दिया गया है टोटल 3, 4, 5, 6। देखते हैं ये कौन कौन है। पहला अपने को पढ़ना है इसमें बच्चों, फर्स्ट पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और बच्चों नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे हम लोग, फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। और बच्चों इसके नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग सिक्स नंबर में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट। कौन कौन सा बच्चों? पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फोर्थ नंबर पे आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ नंबर पे आपका मेटामेरिज्म और बच्चों सिक्स नंबर पे कौन सा है टाटोमेरिज्म। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बात करें हम लोग। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारा होता है दो टाइप का, एक तो बच्चों होता है, एक आपका यहां से मिलेगा, एक मैं इधर रख रहा हूं यहां पर, एक तो आपका मिलेगा कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म और एक आपका मिलेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक आपका मिलेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब आगे देखो क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को वापस से क्लासिफाई कर दिया गया, इसको रख दिया गया बच्चों, एक रख दिया गया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक रख दिया गया बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं चाहूँगा इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो कि अपने को आइसोमेरिज्म कितने पार्ट में पढ़ना है। देखो बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसो प्लस मिरोज सेम पार्ट, मतलब आइसोमेरिज्म आर दोज फिनोमिनन इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज शोज डिफर। ठीक, अच्छा इसको दो केसों में पढ़ा जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के केस में पढ़ेंगे बच्चों और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में पढ़ेंगे। अब दिमाग में आ रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है सर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, बताएंगे इसका भी डेफिनेशन। पहले देखो बच्चों स्ट्रक्चरल को हम लोगों ने क्लासीफाई किया चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और बच्चों कौन सा है टाटोमेरिज्म। स्टीरियो में बच्चों अपने को पढ़ना है दो टाइप का आइसोमेरिज्म, कॉन्फिग्रेशनल और बच्चों कॉन्फर्मेशनल, दो टाइप का। ये मत सोचिएगा सर ये बहुत छोटा है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा भी हो जाएगा। अभी जैसे इसको हम ओपन करेंगे इसके अंदर सिस ट्रांस, इसके अंदर हम लोग देखेंगे लिवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अभी ये बहुत बड़ा क्लासीफाई होगा, तो इसको आप छोटा मत समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लेंदी है, ध्यान से बने रहिएगा, इसको भी मैं बहुत ईजी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ। चलो पहला ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म, मिटा दो इसको, चल
देखो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म क्या है इसको देखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय, तो हमें एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड करना है। हो सकता है ये भी लेक्चर थोड़ा लंबा हो, कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके पर डे वाइज में ख़त्म कर लेंगे भाई। बहुत ज़्यादा कितना होगा, 10 से 12 वीडियो लेक्चर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे। अच्छा देखो बच्चों, पहला आपका मैं लिखने जा रहा हूँ, कौन सा हेडिंग डालूंगा भाई, बोलोगे आप चेन आइसोमेरिज्म। पहला है बच्चों चेन आइसोमेरिज्म, मतलब पता है आपको कि आइसोमेरिज्म का मतलब है एक फिनोमिनन जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उसकी फिजिकल या केमिकल या फिर दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक, किस में देखने को मिलेगा, वो जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों, उनको बोलेंगे आइसोमर। ठीक, अच्छा तो सर चेन आइसोमेरिज्म से पहले मुझे एक चीज आप बता दो, आप इसको किसके अंदर बता रहे हो, तो मैं बोलूंगा इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर बता रहा हूँ, तो पहले उसका डेफिनेशन आप बताओ ना। चलो भाई पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन होता है बच्चों वो बहुत सिंपल सा है, क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमेरिज्म इन विच, बच्चों नोट करो, इन विच मॉलिकुलर फार्मूला, अब आप मॉलिकुलर फार्मूला समझ रहे हो ना, जैसे लिख दिया C2H6, ये है मॉलिकुलर फार्मूला, इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, नोन एज क्या बच्चों, नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आर दोज आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। क्लियर है? अच्छा सर, तो अब अपने को स्ट्रक्चरल मिल गया, अब आप स्ट्रक्चरल के अंदर पहला बता रहे थे चेन आइसोमेरिज्म, तो सर ये क्या है अब बताइए। हाँ चलो अब ये देखो क्या है चेन आइसोमेरिज्म, क्या हो गया कि दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनोमिनन या आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिकुलर फार्मूला ठीक है बच्चों, मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द नंबर ऑफ कार्बन चेन याद रखो, चेन आइसोमेरिज्म में दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन पेरेंट कार्बन डिफरेंट अलग अलग होंगे बच्चों। मतलब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें आपने क्या देखा, कुछ स्ट्रक्चर बने थे, तो आपने एक चीज नोट किया कि भाई जो पेरेंट कार्बन आ रहे हैं सब में अलग अलग आ रहे हैं, जबकि मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन आपने क्या नोट किया कि नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन उसमें क्या दिख रही है, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? बिल्कुल ये चेन आइसोमेरिज्म होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो बच्चों मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो बच्चों याद रखना, एक कार्बन का चेन आइसोमेरिज्म आप नहीं बना पाओगे, दो कार्बन का चेन आइसोमेरिज्म आप नहीं बना पाओगे, तीन कार्बन का भी चेन आइसोमेरिज्म आप नहीं बना पाओगे, तब सर तब आप बना सकते हो कितने का, आप बना सकते हो चार कार्बन का, C4H10 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख कर दे दिया। इसको देखो आप किस तरीके से लिख सकते हो, अगर चेन आइसोमेरिज्म में बनाना है तो आप लिखोगे सर 1, 2, 3, 4 चार कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं भैया, यहाँ पर एक का कार्बन की वैलेंसी पूरी, अब तीन खाली है तो तीन हाइड्रोजन यहाँ, दो पूरी तो दो हाइड्रोजन यहाँ, दो यहाँ और तीन यहाँ, तो सर इसका नाम हो गया N-butane, चार कार्बन के लिए ब्यूटेन, मेथ एक प्रोब्यूट और एक नॉर्मल चेन है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं N-butane। अच्छा मतलब कोई ब्रांचिंग ना हो,
तो एन ब्यूटेन में सर टोटल पेरेंट कार्बन कितने हैं बच्चों? बोलोगे 4। ठीक, और भी इसको अरेंज कर सकते हैं, तो किसी ने इसको ऐसे लिख दिया, सर इसको हम ऐसे लिख देते हैं सी सी सी, एक सी ऊपर लगा देते हैं। मैं कहा ठीक है, अभी भी तो 4 कार्बन है, तो यहाँ पर आपने 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे बच्चों एक एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 3, तो 3 1 4 3 7 3 10, अभी भी फार्मूला सेम है। लेकिन बात क्या हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों कितना है इसमें? तो बोलोगे सर 3। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसी को बोलते हैं पेरेंट कार्बन, तो पेरेंट कार्बन है बच्चों 3, यहाँ कितना था 4। इसका नाम क्या है सर? अगर ध्यान देना, इथाइल पर मिथाइल जुड़ा हो तो बोलते हैं उसको बच्चों आइजो, इसका पूरा नाम हो जाएगा आइजोब्यूटेन, आइजोब्यूटेन। तो डेफिनेशन देखो क्या बोलता है कि दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिकुलर फार्मूला सेम, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है बच्चों? सेम है, बट द नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन डिफरेंट, नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल सही, ये आपका चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये तो डेफिनेशन था चेन आइसोमेरिज्म का, इसको नोट करिए, उसके बाद हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चन लगाते हैं जिससे हमारा चेन आइसोमेरिज्म पर प्रैक्टिस एक बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, कॉपी करो जल्दी।